सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक और वीडियो में। तो यार आज के इस वाले वीडियो में मैं खेल रहा हूँ एक और एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और इस वाले एक्सपेरिमेंट में मैं खेल रहा हूँ हमारा 4-1-2-3 फॉर्मेशन में। और यार आज के इस वाले वीडियो का खास बात यह है कि मैं एक भी हेडर वाले प्लेयर का यूज़ नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। ना ही मैं हैमर का यूज़ करूँगा, ना ही मैं कमांडर का यूज़ करूँगा, ना ही अदर सुपर प्लेयर ऐसे यूज़ करूँगा जो हेडर ले सकते हैं। मैं एक भी हेडर वाले प्लेयर को यूज़ नहीं करने वाला हूँ। और यार ये एक बिल्कुल नया स्ट्रेटेजी है खेलने का, ठीक है। मैं उस नए स्ट्रेटेजी पे खेलने का ट्राई करूँगा, सिर्फ और सिर्फ पास और शॉट, ठीक है। जो कि लास्ट वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ 5 टिप्स बताए थे कि आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। उनमें से यार मैं 2 टिप्स को मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट वीडियो के जरिए आप लोगों को समझाने का कोशिश करूँगा। और आप लोग देखिएगा कि मैं पास और शॉट इन 2 तरीकों से किस तरह से मैच जीतता हूँ, किस तरह से मैं प्रो या फिर अपने से हाई लेवल वाले प्लेयर को हराता हूँ, ठीक है। तो बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये यार मैंने पहला मैच स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और फिलहाल बॉल मेरे पास है, मैंने बीडी लिया था और यहाँ पे मेरे एरिक्सन गार्ड, और मैं देता हूँ इंजन को और यहाँ से दूंगा अपने कैप्टन को लेफ्ट में आगे और दौड़ाऊँगा, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था, सिर्फ पास और शॉट। और ओके, प्लेयर हो कहाँ पे, यहाँ पे मैं दूंगा गार्ड को एक बार फिर से और दूंगा यार मजिशियन को, ठीक है। और चलो शॉट लगाओ भाई मजिशियन, और मजिशियन ने बैक किया है। ओके, राइट में मेरे गार्ड और एक बार बैक पास, और बैक पास करने के बाद क्या करूँगा, ओके शॉट पास रिचर्ड, और रिचर्ड से प्लेयर नहीं है तो मैं डायरेक्ट शॉट करता हूँ, ठीक है। खैर ये गोल होने का चांस है नहीं, पर यार मैंने शॉट कर दिया क्योंकि मेरे प्लेयर नहीं थे। अब फिलहाल बॉल अगेंस्ट वाले प्लेयर के पास, पर यार ये वाला वीडियो आप लोग इन्जॉय करना, ठीक है, क्योंकि काफ़ी मज़ा आने वाला है आप लोगों को। क्योंकि यार मैंने जैसा कि शुरू में ही कहा था, मैं हेडर का यूज़ नहीं करूँगा, सिर्फ पास और शॉट के माध्यम से कैसे जीतूँगा, कैसे हराऊँगा, और वो भी मेरे जो प्लेयर हैं वो काफ़ी लो लेवल वाले प्लेयर को मैंने इंक्लूड किया है, ठीक है। 7th अपग्रेड से नीचे वाले प्लेयर को मैंने इंक्लूड किया है। यहाँ पे मेरे पास बॉल, मेरे रिचर्ड, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, ओके राइट में प्रॉलर, और देखो मेरे कैप्टन लेफ्ट में, चलो भाई। और मैं अपने कैप्टन को आगे देता हूँ, और ये बहुत ही शानदार मेरे इंट्रूडर, और यार राइट बॉटम कॉर्नर पर शॉट करूँगा और ये पहला गोल, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था। अब अगेंस्ट वाले प्लेयर भले ही थोड़े कम लेवल के हैं, ठीक है, कम गोल्ड मेडल के हैं, पर यार उसके पास काफ़ी सारे 10 लेवल के हैमर हैं, 10 लेवल के प्लेयर हैं उनके फ्रेंड के, ठीक है। उन्होंने पास किया था, पर मेरे प्लेयर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके बॉल को मेरे कब्जे में किया है। यहाँ पर मेरे एक्सप्लोरर, और मैं राइट में दूँगा इंजन को, और इंजन से रिचर्ड, ठीक है, रिचर्ड गार्ड को दूँगा, और एक बार बैक पास कीपर की तरफ, जहाँ भी मौका ना मिले वहाँ बैक पास करो, ठीक है। और यहाँ से मेरे इंट्रूडर, और एक बार फिर से रिचर्ड गार्ड, और यहाँ से मैं अपने कैप्टन को आगे बढ़ाऊँगा, ये मुझे मिलेगा एक फाउल, और मेरे कैप्टन पहुँच गए, कोई बात नहीं, और मुझे मिल चुका है एक फाउल। मैं दूँगा प्रोटेक्टर को, और प्रोटेक्टर से राइट में कौन है, प्रोलर, चलो मैं प्रोलर को दूंगा यार राइट में, ठीक है, और पार हो जाएगा क्या, ओ अरे भाई साहब, खैर कोई बात नहीं, बॉल मिल चुका था मेरे प्रोलर को, पर यार खैर क्या ही कहेंगे इस बारे में। अब अगेंस्ट वाले प्लेयर के पास बॉल है, और मैं एक बार फिर से बहुत ही जल्दी बॉल अपने कब्जे में करने वाला हूँ, ठीक है। और देख सकते हो वो काफ़ी हेडर का यूज़ कर रहा है अगेंस्ट वाला प्लेयर, क्योंकि यार हैमर हैं तो हेडर का यूज़ करेगा है, ठीक है। और उन्होंने आगे बढ़ाया है, और मेरे प्रोटेक्टर क्या करेंगे, टैकल मारो भाई, खैर नहीं पहुँच पाए, कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड स्टर 10 लेवल के, और चलो शॉट लगाओ, देखते हैं क्या होता है। और वाह क्या बात है, खैर है, ये उन्होंने भी कर दिया है मुझे एक गोल, और मैच हो चुका है 1-1 की बराबरी पे, ठीक है। अब देखो मैं क्या ही गेम प्ले बनाता हूँ, मैंने किया है बैक पास, और यहाँ से मैं दूंगा राइट में, राइट में कौन है, कौन सा प्लेयर है ये, और ये है राइडर, ठीक है, और राइडर है, और मैं दूंगा मिडिल में इंजन को, और इंजन को देने के बाद अपने कैप्टन को थोड़ा आगे दूंगा, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि मेरे कैप्टन पहुँच जाए और अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाए, क्या बात है यार बहुत शानदार, ठीक है। और यहाँ से मैं दूंगा रिचर्ड को, और रिचर्ड से मजिशियन को दूंगा, और चाहता हूँ मजिशियन मेरे शॉट लगाए, ठीक है, ये देखो क्या बात है यार, और एक बार फिर से राइट पे शॉट, और ये दूसरा गोल, और ये वाला मैच मैं जीत जाता हूँ, ठीक है। खैर ये वाला जो प्लेयर था, इसके पास भले ही 10 लेवल के हैमर थे, काफ़ी सारे 10 लेवल के प्लेयर थे, पर था तो ये एक कम लेवल का प्लेयर। अब अगला मैच, ठीक है, अगला मैच में मेरे पास बहुत ही हाई लेवल के प्लेयर आएंगे, ठीक है,
मतलब मेरे से तो कई लाखों गुना बेटर वाले प्लेयर आएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 500 का बिड ले लेता हूँ। अब एक बार मैं आप लोगों को अगेंस्ट के प्लेयर का प्रोफाइल दिखा देता हूँ। देखो 52 गोल्ड मेडल, 24,000 का मैच, 4-1-2-3 का परमिशन। ठीक है, अब 24,000 का मैच खेला हुआ है तो आप समझ लो कि हर एक प्लेयर उसके पास 10 लेवल का है। ठीक है, ऐसा प्लेयर के साथ मुकाबला है। और इस वाले प्लेयर को भी देखो ना, आप देखिएगा इस वाले प्लेयर को भी मैं इन्हीं दो तरीकों से, पास और शॉट के माध्यम से किस तरह से हराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं मैजिशियन को देता हूँ, पर यार अगेंस्ट वाले प्लेयर के बटनी इन्वर्टर आगे हो गए और बॉल चला गया मेरे हाथ से। सामने उसके सैंडबर्ग, और सैंडबर्ग क्या करेंगे, शॉट लगाएंगे। खैर मेरे प्लेयर कहाँ हो भाई, बैकअप तैयार नहीं, कोई बात नहीं। देखो बहुत ही जल्दी अगेंस्ट वाले प्लेयर ने मुझे यार पहला गोल किया। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में ऑब्वियसली एक अंडर प्रेशर आता है गेम के ना। ठीक है, और ये देखो एक बार फिर से टेकल, मतलब एक गोल आप खाओ उसके बाद आप पास करो और उसके तुरंत बाद आपसे बॉल, आपके हाथ से बॉल चला जाए तो यार प्रेशर हाई लेवल का बन जाता है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, अब बस आप देखते जाइए कि मैं इस वाले प्लेयर को क्या ही खतरनाक तरीके से हराऊंगा। एक कॉर्नर, और कॉर्नर पे यहाँ पे देखो मेरे प्रोटेक्टर का काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस, मैं दूंगा एक्सप्लोरर को। और चलो भाई एक्सप्लोरर, एक बार फिर से मेरे एक्सप्लोरर को टेकल, और अगेंस्ट के राइडर यार, चलो भाई कनेक्शन प्रॉब्लम क्यों, ओके पास किया है उन्होंने एक बार फिर से। ये है स्पीडस्टर गोसेंस, पर वो ऑफसाइड थे तो बॉल अब आ चुका है मेरे पास। ठीक है, और बस देखते जाओ, और यहाँ पे मैं दूंगा राइडर को। चलो भाई राइडर थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाओ। ओके ओके, मैं दूंगा राइड में प्रोटेक्टर को। ठीक है, चलो भाई, और प्रोटेक्टर से रिचर्ड शॉर्ट पास, और एक बार फिर से प्रोटेक्टर, और एक बार एरिक्सन को दूंगा। ठीक है, बीच में एरिक्सन, एक बार बैक पास, चलो भाई कोई बात नहीं, पास पास होना चाहिए, पास मैक्सिमम पास। और एक बार फिर से प्रोटेक्टर को दूंगा, एक बार फिर से, इस बार भी एरिक्सन को ही दूंगा। ठीक है, बस वही दो प्लेयर खेल रहे हो यार, क्या बात है, एक दूसरे को ही बस पास कर रहे हो। चलो अब यहाँ पे मुझे नहीं पता किसका कनेक्शन प्रॉब्लम है, खैर ये ख़त्म हो गया। और एक बार फिर से प्रोटेक्टर, और कहाँ हो प्लेयर, कहाँ हो भाई, एक बार फिर से एरिक्सन यार, मतलब 5-6 बार तो इन्हीं दो प्लेयर के बीच में पास हुआ है। और राइट में मेरे प्रोलर से कहाँ प्लेयर, कहाँ, ओके शॉर्ट पास राइडर, और राइडर भाई साहब, ओके फिर से लेफ्ट में रिचर्ड, और चलो शॉट करूँगा यहाँ से, रिचर्ड का क्या ही शॉट होता है देखते हैं। खैर गार्ड के पास शॉट होता नहीं है, पर ट्राई किया है मैंने, पर यार ये ड्रॉप, खैर कोई बात नहीं। और यहाँ से मैं दूंगा एरिक्सन को, एक बार फिर से थोड़े खाली थे, और एरिक्सन कहाँ भाई, क्या करूँगा, मजिशियन, चलो भाई मैंने दिया है मजिशियन को, और देखते हैं मजिशियन का, अरे ये पार हो गए अगेंस्ट के प्लेयर के मेजर यार, देख रहे हो मतलब क्या ही खतरनाक गेम हो रहा है ना, कि मतलब बॉल मैं चाह के भी गोल नहीं कर पाया हूँ अभी तक। और एक बार मेरे इंट्रूडर ने काफ़ी बढ़िया टेकल दिया है स्पीडस्टर को, और बॉल को क्या है अपने कब्जे में, और ये वाला चांस मैं गवाऊंगा ना। ठीक है, डेफिनेटली मैं ये चांस गवाऊंगा नहीं और गोल बैक करूंगा। लेफ्ट में देता हूँ प्रोटेक्टर को, और प्रोटेक्टर से रिचर्ड, और रिचर्ड से प्लेयर, ओके एरिक्सन, चलो भाई एरिक्सन गार्ड, और गार्ड से एक बार फिर से प्रोटेक्टर, और प्रोटेक्टर से ओके मजिशियन, चलो भाई इस बार तो बॉल ले लो यार, और शॉट, वाह क्या बात है, वन टच रिस्पॉन्स, और मैं थोड़ा कर्व करके शॉट करूंगा, और ये देखो ये मार्टिना मजिशियन का गोल, और यार मैच बराबरी पे, 1-1 की बराबरी पे। अब आगे का गेम प्ले और इन्जॉय करें, क्योंकि ये लास्ट वाला गोल जो है वो आपको देख के मज़ा आएगा। ठीक है, और फिलहाल सामने वाले प्लेयर के पास बॉल, काफ़ी बेटर तरीके से पास, टैकल मारो मार, वाओ क्या बात है यार, राइडर स्पीड स्टेयर को पीछे छोड़ रहे हो। और यहाँ पे एक बार बॉल फिर से मेरे पास एरिक्सन, और एरिक्सन से मैं दूंगा यार प्रोलर को। ठीक है, बैक पास कराऊंगा डेफिनेटली, और एक बार रिचर्ड को देता हूँ लेफ्ट में, और रिचर्ड से शॉर्ट पास दूंगा मजिशियन को, और मजिशियन थोड़े, ओके एक बार शॉर्ट पास फिर से रिचर्ड, और एक बार अपने कैप्टन से बैक पास, चल, अरे भाई क्या बात है यार, बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा इंट्रूडर का काफ़ी बढ़िया ये ड्रिबल, और मैं राइट में दूंगा प्रोलर को, और प्रोलर का ओ शॉट, एक बार शॉट ट्राई करता हूँ। ठीक है, अरे भाई कोई बात नहीं, दोबारा शॉट मिला है, और दोबारा क्या करूँगा, एक इस बार नीचे शॉट करूँगा राइट में, और ये देखो यार ये बहुत ही शानदार, क्या बात है, प्रोलर का लास्ट वाला फिनिश। और ये था आज का हमारा एक्सपेरिमेंट वाला वीडियो, सिर्फ और सिर्फ पास और शॉट, कोई हेडर नहीं, कोई
हैमर नहीं, कोई कमांडर नहीं, कोई थंडर नहीं, कोई बुलडोजर नहीं, ठीक है। तो यार गाइस उम्मीद करता हूँ कि ये वाला वीडियो, ये एक्सपेरिमेंट गेम प्ले वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।